पक्ष की शुरुआत 10 सितंबर से होने जा रही है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व है। इसमें वर्ष के 16 दिनों को अपने पितृ या पूर्वजों को उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा समर्पित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष या कनागत कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को हमारे पूर्वजों को समर्पित पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है और इसका आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से हो जाती है। वहीं अगर इस बार की पितृपक्ष की बात करें तो इस बार पितृपक्ष या महाले की शुरुआत 10 सितंबर से की जा रही है, जो कि 25 सितंबर तक चलेगी। बता दें कि ज्योतिषों के अनुसार श्राद्धों की कुल संख्या 16 होती है, जिसमें भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को पहला श्राद्ध होता है और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू माना जाता है। इसी को देखते हुए इस बार 10 सितंबर को पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ ही महालय आरंभ हो जाएगा। मान्यताओं के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्य किए जाते हैं। श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान जैसे कार्यों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तथा कुंडली में मौजूद पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के दिन दान का खास महत्व होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस दिन किस व्यक्ति की श्राद्ध करवाई जा सकती है या फिर की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिपदा श्राद्ध जो कि 10 सितंबर को है, इसमें उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि पर हुई थी। द्वितीय श्राद्ध 11 सितंबर, जिनकी मृत्यु द्वितीय तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। तृतीय श्राद्ध 12 सितंबर, जिनकी मृत्यु तृतीय तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। चतुर्थी श्राद्ध 13 सितंबर, जिनकी मृत्यु चतुर्थी तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। पंचमी श्राद्ध जो कि 14 सितंबर को है, इसमें उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि पर हुई थी। इसी तरह षष्ठी श्राद्ध 15 सितंबर, जिनकी मृत्यु षष्ठी तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। सप्तमी श्राद्ध 16 सितंबर, जिनकी मृत्यु सप्तमी तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। इन्हीं के साथ 17 तारीख ऐसी तिथि है जिसमें किसी की भी श्राद्ध नहीं की जा सकती। 17 तारीख के बाद 18 सितंबर यानी कि अष्टमी श्राद्ध को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जा सकता है जिसकी मृत्यु अष्टमी तिथि पर हुई थी। नौवीं श्राद्ध 19 सितंबर, जिनकी मृत्यु नौवीं तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। दसवीं श्राद्ध 20 सितंबर, जिनकी मृत्यु दसवीं तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। एकादशी श्राद्ध 21 सितंबर, जिनकी मृत्यु एकादशी तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। द्वादशी श्राद्ध 22 सितंबर, जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 23 सितंबर, जिनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध 24 सितंबर, जिनकी मृत्यु चतुर्दशी तिथि पर हुई थी, इस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इन सभी तारीखों के बाद पितृपक्ष का अंतिम दिन आता है 25 सितंबर यानी कि अमावस्या का दिन। इस तिथि पर सर्वपितृ श्राद्ध किया जा सकता है। बता दें कि ज्योतिषों के अनुसार पितृपक्ष का वास्तविक तात्पर्य अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है, इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष या श्राद्ध का नाम दिया गया है। 10 सितंबर को पूर्णिमा के साथ श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे और 25 सितंबर तक चलेंगे। अगले दिन यानी 26 से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ज्योतिष के द्वारा बताया गया है कि इस बार 16 दिन का पूर्ण पितृपक्ष होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।